गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इस टाइम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे और आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं कैची धाम के, जो है नैनीताल में। तो ये जो जर्नी होने वाली है हमारी बाय ट्रेन होने वाली है, नहीं करूंगा ये काठगोदाम शताब्दी से करूंगा। काठगोदाम शताब्दी नई दिल्ली से बनके चलती है 6:20 पे और अब गाजियाबाद पहुंची गई 6:53 के आसपास पहुंचती है। 2 मिनट का हाल्ट होता है, उसके बाद 6:55 पे ये यहां से निकल जाती है। तो ये कंप्लीट जर्नी हमारी शताब्दी में रहने वाली है। आपको कैची धाम कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग नैनीताल या कैची धाम जाना चाहते हैं वो यही रूट रहेगा, सबका सेम रहेगा। मुरादाबाद, बिलासपुर, रामपुर, हल्द्वानी होते हुए ये काठगोदाम पहुँचेगी। काठगोदाम के बाद जो हमारी जर्नी रहेगी वो हमारी बस या टैक्सी के थ्रू रहेगी। वो सारी जर्नी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो लेते हैं बाबा कैची धाम का नाम और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी। ये हमारी काठगोदाम शताब्दी आ चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो ये है हमारा बॉक्स C2 और चलते हैं, एंट्री लेते हैं ट्रेन में अंदर। मुझे अपनी सीट मिल चुकी है, मिडिल वाली सीट है, ये विंडो है साइड के अंदर और यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे। 7 बजे के आसपास ट्रेन निकल चुकी है गाजियाबाद से, अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। पहले बॉटल आ गई है पानी की, जिसको रेल नीर की आपको पता होगा, हमेशा रेल नीर की बॉटल मिलती है। ये अपनी चाय आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी ये खाली किट दी है इन्होंने, जो टी किट है, और गर्म पानी अभी ला के देंगे। ये अपना गर्म पानी आ गया, इसी में अपना किट पूरा इंक्लूड करके चाय बन जाएगी आराम से। पीते हैं इसको, कैसा टेस्ट है देखते हैं। घर वाला चाय वाला टेस्ट तो ये, लेकिन टेस्ट अच्छा है फिर भी। अभी आप देख रहे हैं अराउंड 130 की स्पीड से ट्रेन चल रही है और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रही है। ये आप देख सकते हैं सामने के सामने, और ये सामने खेत वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं गंगा माँ के, और ये पुल है जिसमें से ट्रेन हमारी अभी निकल रही है। ये गढ़गंगा है पूरा। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है गढ़गंगा का। ये भैया अपना नाश्ता लिया है, बैठ जाना भैया। ओके, ये जी अपना नाश्ता आ गया, जिसके अंदर ये ब्रेड है और ये मैंगो जूस है, और इसमें कोगा कटलेट, और ये टमाटो सॉस दिया है साथ में, और ये है आपका स्पून। ये कटलेट है जी। नाश्ता मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है, नाश्ता काफ़ी सही है। ये इसमें दी होती है, तो एक बार अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो अपना नाश्ता वगैरह हो गया है और मैंने बाकी टेस्ट वगैरह वही सब कुछ सही था, लेकिन कटलेट में थोड़ा सा नमक थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को। बाकी जो लोग नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं ठीक रहेगा। और बाकी अपना ये मानिया गोल्ड मैंगो ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं अभी, और अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुरादाबाद आएगा अराउंड 9 बजे के आसपास, फिर आपको मुरादाबाद से ही मिलते हैं डायरेक्ट। टाइम हो रहा है अराउंड 8:45 और ट्रेन हमारी 5 मिनट पहले पहुंच चुकी है मुरादाबाद। और यहां तक का सफ़र जो 165 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है, और अच्छी खासी धूप निकल रही है, आप देख रहे होंगे पीछे। और अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 140 की स्पीड आराम से मेंटेन कर रही है, और बहुत सही स्पीड मेंटेन कर रही है इस रूट पे। किसी को हल्द्वानी जाना है तो मुझे लगता है बेस्ट ट्रेन लग रही है मुझे अभी तक। बाकी अभी तक हमारा खाली नाश्ता वगैरह आया था, तो यहाँ पे अराउंड 5 मिनट के आसपास का हाल्ट रहता है, ज़्यादा देर का हाल्ट नहीं रहता है। अराउंड 8:51 के आसपास का टाइम है यहाँ पे आने का, और 8:55 पे यहाँ से निकल लेती है। और सामने आप देख सकते हैं ऐसा कोई स्टेशन है मुरादाबाद का। बाकी इसमें हम बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव क्लास का बॉक्स होता है ये वाला, और बाकी जितने भी बॉक्स होंगे वो C2 C1 करके सारे चेयर कार के बॉक्स होंगे। आगे तक आप देख रहे हैं सारे चेयर कार हैं, और एक ही बॉक्स मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव का। ये सामने आप जो देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव का बॉक्स है, जिसका फेयर और सब चीज़ें मैं आपको आगे चल के अभी बता दूँगा। अराउंड 8:57 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है मुरादाबाद से। अब ये देख रहे हो स्टेशन है ये मुरादाबाद का।
ये आप देख सकते हैं रिजल्ट के लिए इसका ऐसा कुछ देखने को मिलता है। टाइम हो गया 9:21 और हम पहुंच चुके हैं रामपुर। अराउंड 192 किलोमीटर की जर्नी हमारी दिल्ली से लेके यहाँ तक हो चुकी है। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी प्लेटफार्म पे चल रहा है, बाकी अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है हमारी और ट्रेन भी बढ़िया है, कंफर्टेबल ट्रेन है। लेकिन यह है कि जो चेयर कार है ना, चेयर कार की जो सीट्स है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, थोड़ी पतली पतली सीट्स है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया एग्जीक्यूटिव क्लास की काफ़ी चौड़ी और काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास का सिर्फ एक ही डब्बा रहता है इसके अंदर और बाकी चेयर कार के अराउंड 7 से 8 डब्बे रहते हैं, तो चेयर कार की काफ़ी सीट्स अवेलेबल रहती हैं। तो वो यही जगह है रामपुर, जहाँ पे रामपुरी चाकू मिलता है, यही बात है। चलो चलते हैं आगे। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है बिलासपुर का रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिलासपुर। टाइम हो रहा है अराउंड 9:54 का और बिलासपुर हम पहुंच चुके हैं। अब ये देख सकते हैं ऐसा स्टेशन है कुछ बिलासपुर का ये, और साथ में ही भैया मिले हैं, ये जा रहे हैं रुद्रपुर और काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे। अब आएगा रुद्रपुर। बज के 15 मिनट और हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। ऐसा कुछ स्टेशन है रुद्रपुर का, आप देख रहे होंगे छोटा सा स्टेशन है, बड़ा पतला सा, साइड में ये लगी हुई है, पीछे की साइड में माल गोदाम है और ऐसा कुछ स्टेशन देखने को मिलता है रुद्रपुर का। के सिग्नल हो चुके हैं, तो रुद्रपुर आते ही हमारी उत्तराखंड में एंट्री हो चुकी है। ये एक तरह से बॉर्डर है यूपी का और उत्तराखंड का। टाइम हो रहा है 10:48 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लालकुआ। ये लालकुआ स्टेशन है, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, और अभी क्या है 10 मिनट के आसपास लेट चल रही है ट्रेन, ज़्यादा लेट नहीं है। और इसके बाद आएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद काठगोदाम, सिर्फ 2 स्टेशन रह गए हैं जहाँ पर हमें उतरना है। और आप देख सकते हैं स्टेशन काफ़ी अच्छा सा स्टेशन देखने को मिल रहा है, बाकी जर्नी अभी तक मस्त चल रही है, सब कुछ बढ़िया। और लोग डाउन हो गए ट्रेन के, आप सुन रहे होंगे सायरन ट्रेन का, तो चलते हैं। ये आप देख सकते हैं डाउन हो चुके हैं ट्रेन के, तो चलते हैं लालकुआ से हल्द्वानी की तरफ। हो रहा है 11:16 और हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। ये स्टेशन देख रहे हो आप हल्द्वानी का, ऐसा कुछ स्टेशन है हल्द्वानी का, आप ये देख रहे होगे। और अभी यहाँ पे 2 मिनट का हाल्ट रहता है ट्रेन का, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का हाल्ट नहीं रहता है, तो देखते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा काठगोदाम का रहेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से काठगोदाम पहुँचने में। और ये सामने आप व्यू देख सकते हो, कुछ ऐसा व्यू है स्टेशन का, जिसमें सामने ऊपर आपको थोड़े बहुत हिल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर थोड़े बहुत हिल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैडम ये प्रोडक्ट किस किस चीज़ के हैं एक बार बता दोगे? अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा तो ये रेलवे की तरफ से है या आपके उत्तराखंड के टूरिज्म की तरफ से? अच्छा प्राइवेट का। तो यहाँ पर आप आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे ये प्रोडक्ट्स की शॉप है, जो उत्तराखंड के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं नेचुरल तरीके से बनाए हुए, आप इनसे ले सकते हैं मैम से। और यहाँ पे नीम करौली बाबा जी की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये भी मिल रही है यहाँ पे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आप ये देख लो। देख रहे हैं ऐसा कुछ स्टेशन है काठगोदाम का और हमारी ट्रेन एग्जैक्ट 11:46 पर पहुंच गई है काठगोदाम।
तुझे उतर गए हैं काठगोदाम पे, अराउंड 11:46 पे उतार दिया, 10 मिनट पहले उतार दिया ट्रेन ने। तो अब चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अपनी टैक्सी या बस जो भी जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे, और क्या चीज़ डालते हैं टैक्सी है बस वगैरह जो भी है वो लेते हैं। ऐसा कुछ स्टेशन है आप ये देख सकते हो, और यहाँ एक पुरानी सी तोप खड़ी हुई है। आइए नैनीताल में, नया भारत, सशक्त भारत। और यहाँ से एग्जिट है स्टेशन का। तो जब आप बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद आप देखेंगे सामने टैक्सी वगैरह काफ़ी आपको खड़ी हुई मिलेंगी, तो यहाँ से आप अपना टैक्सी वगैरह ले सकते हो। बाकी देखते हैं कि आगे क्या टैक्सी वगैरह हमें मिलती है। यहाँ पे ना टैक्सी कर ली है, ये टैक्सी है हमारी इनोवा, और ये 250 रुपीज़ पर पर्सन ले ली कैची दाम तक। तो चलते हैं, फाइनली टैक्सी मिल गई है, शेयरिंग पे आई है, तो चलते हैं। तो यार अभी पेट्रोल बनवाने के लिए रुके हैं, और टोटल जो सफ़र है हमारा वो रहेगा अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास काठगोदाम से, और अभी मुश्किल से चले होंगे 6 किलोमीटर के आसपास। बाकी मौसम बड़ा साफ सा लग रहा है, क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है मौसम, और धूप खिली हुई है पूरी, ऐसा नहीं है बारिश का मौसम कुछ नहीं लग रहा है अभी तक। बाकी भैया है साथ में, अगर आप आ रहे हो तो भैया से, भैया अपना नंबर वंबर बता दो। सुशील नाम ये आपका? हाँ, ये भैया का नाम सुशील है, और ये नंबर है, अगर आप टैक्सी वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। भाई भैया यहीं के कैसी धाम में ही रहते हैं। ये भैया ने देखो यहाँ पे घंटी लगाई हुई है, कोई भी मंदिर आता है ना तो भैया वहीं पर ये अपनी वाली घंटी बजा देते हैं, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है पूरी टैक्सी में। थैंक यू भैया, ये बहुत बढ़िया काम कर रखा आपने। ये जो पूरी मार्केट देख रहे हैं, ये भवाली की मार्केट है, और इसमें अक्सर ना जाम लगता ही है। पहले भी मैं एक दो बार आया था, तो तब भी थोड़ा बहुत जाम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सी रोड्स वगैरह पतली है ना यहाँ पे, तो आने जाने का थोड़ा सा रहता है। तो ये पूरी भवाली की मार्केट है, आप देख सकते हो। जो आप देख रहे हैं पार्किंग है कैची धाम की, यहाँ पे भी आप पार्किंग लगा सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी पार्किंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। आपको यहीं पर ही अपनी टैक्सी गाड़ी जो भी आप जैसे भी आ रहे हो यहाँ पे अपनी पार्क कर सकते हो। फाइनली पहुँच गए हैं कैची धाम, और आपको कैसी लगी ये जर्नी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर बात करें काठगोदाम से कैची धाम तक के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटे मेरे को लगे यहाँ तक आने में, और काठगोदाम से लेके कैची धाम तक के 250 रुपीज़ चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं है अगर आप शेयरिंग पे आते हो। तो अगर आप पूरी टैक्सी करके लाते हो तो शायद 2000 के आसपास की टैक्सी होगी आपकी। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी सिर्फ कैची धाम के से रिलेटेड ही होगी। आप पीछे दर्शन कर सकते हैं जाते जाते कैची धाम के, और जयकारा लगा सकते हैं श्री कैची धाम श्री नीम कुरली बाबा जी का। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टाटा बाय बाय। कैची धाम जी का जयकारा जरूर लगाते रहिए कमेंट में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। जय श्री नीम करोली बाबा जी की।